हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत पटेल। आज हम बात करेंगे व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स की। गुड्स आर दोज आइटम्स दैट आर टेंजिबल इन नेचर। वो आइटम होते हैं जो कि टेंजिबल होते हैं। अब ये टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल मतलब कि वो आइटम जिनको हम टच कर सकते हैं या उनके एक्जिस्टेंस को हम फील कर सकते हैं कि हाँ वो है। जैसे कि चाय का कप, कुर्सी, चेयर, ओके, बुक्स, टेबल, इनको हम फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई टेंजिबल, मतलब कि ये सब गुड्स हुए। अब हम बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज आर दोज आइटम्स दैट आर इनटेंजिबल इन नेचर। इनटेंजिबल मतलब कि जिनको हम टच नहीं कर सकते ना उनको हम देख सकते पर उनको हम फील कर सकते हैं, उनको स्टोर भी नहीं कर सकते हम, उनको हम फील कर सकते हैं। जैसे कि टीचिंग, नॉलेज लेना, नॉलेज को हम फील कर सकते हैं, हाँ मेरे को नॉलेज आ गया है, पर हम उसको टच नहीं कर सकते, नॉलेज को देख नहीं सकते, हम सिर्फ ले सकते हैं। इंजीनियरिंग वर्क, यहाँ पर हम इंजीनियर की स्किल्स को लेते हैं। मैनेजेरियल स्किल्स, यहाँ पर हम नेगोशिएशन स्किल्स वगैरह को हम परचेज करते हैं किसी से बात करने की। बैंकिंग ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें होती है इनटेंजिबल, ओके, क्योंकि हम उनको सिर्फ देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गुड्स और सर्विसेज क्या होती है। गुड्स मतलब कि सारे टेंजिबल आइटम, सर्विसेज मतलब कि सारे इनटेंजिबल आइटम।